दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों ने बॉर्डर पर मनाई होली, सरकार को दी कड़ी चेतावनी। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर हो रही बड़ी गुंडागर्दी, बीजेपी नेताओं के पिटने का सिलसिला जारी। अब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मिली धमकी। वहीं बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला, बोले बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी ममता बेगम। वहीं ममता बनर्जी की बीजेपी नेताओं को बड़ी धमकी, बोली सीआरपीएफ को जाने दो, उसके बाद आप हाथ जोड़ोगे। वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर लोगों ने की नारेबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप। वहीं बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका, सर्वानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा पर एफआईआर दर्ज। वहीं तपती धूप में ममता बनर्जी ने किया जबरदस्त रोड शो, शुभेंदु अधिकारी को बताया न घर का न घाट का। वहीं एमके स्टालिन का बड़ा वादा, बोले हम सत्ता में आए तो ना तो नागरिकता कानून लागू होने देंगे और ना ही कृषि कानून। वहीं अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात से महाराष्ट्र में बवाल, कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने उठाए सवाल। वहीं चुनाव आयोग से मिले टीएमसी नेता, बोले बाहर से गुंडे ला रहे शुभेंदु अधिकारी। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी बोली मैं रॉयल बंगाल टाइगर, यूपी बिहार के गुंडों ने मुझ पर किया हमला। वहीं बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अब नंदीग्राम की सीट पर टिकी सबकी निगाहें। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसानों ने बॉर्डर पर मनाई होली, कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर सरकार को दी कड़ी चेतावनी। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने होलिका दहन के दौरान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चा ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और ये सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चा ने कहा कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में होल्ला मोहल्ला उत्सव में एक सभा की। किसानदा महाकुंभ में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की, जिसे किसान संघों के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और उनकी मांगों को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसान 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नीत केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को अब तक नहीं माना है। तीन कृषि कानून छोटे व्यापारियों समेत समाज के हर तबके को प्रभावित करेंगे। उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के नाम पर हो रही बड़ी गुंडागर्दी, बीजेपी नेताओं को पीटने का सिलसिला जारी। अब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी दी धमकी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर कई आंदोलनकारी अब अराजकता फैलाने के साथ ही आम लोगों की शांति भंग कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के खिलाफ अपने साथियों को उकसाने और हिसार में उनका कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए भड़काने के एक दिन बाद रवि आजाद ने अब हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी धमकी दे दी है। रवि आजाद खुद को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का यूथ प्रेसिडेंट बताता है। रवि आजाद ने अब अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से 26 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो इस बार दुष्यंत चौटाला के खिलाफ साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि और नेताओं की तरह दुष्यंत चौटाला को भी कहीं भी घेरा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला, बोले बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी ममता बेगम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के प्रचार में वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। सोमवार को नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करते करते ममता बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। पूर्व मंत्री अधिकारी ने कहा कि बेगम अचानक बदल गई हैं और चुनाव में राजे देखते हुए अब मंदिर मंदिर जा रही हैं। बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में सीधा मुकाबला है। अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की ईद मुबारक कहते रहने की आदत रही है और इसी आदत के कारण वो लोगों को होली की बधाई देने के लिए भी होली मुबारक कहती हैं। उन्हें वोट मत देना, यदि बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की बीजेपी नेताओं को खुली धमकी, बोली सीआरपीएफ को जाने दो, उसके बाद आप हाथ जोड़ोगे। ये आपको बता दें कि बंगाल का सियासी समर हर दिन बीतने के साथ और प्रचंड होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के चरम पर पहुंचने के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनसभा में बीजेपी के लोगों को खुलेआम धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षाकर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम तुमको देख लेंगे। और तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि यहां
कुछ और दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दो ताकि वो हमें बचा सके। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि आप बंगाल से सीआरपीएफ को जाने दो, उसके बाद आप हाथ जोड़ोगे। अगली बड़ी खबर, एमके स्टालिन ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले यदि हम सत्ता में आते हैं तो राज्य में ना तो नागरिकता कानून लागू होगा और ना ही कृषि कानून। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस बीच डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में ना तो नागरिकता कानून लागू होगा और ना ही कृषि कानून। आपको बता दें कि एमके स्टालिन ने ऐलान किया है कि यदि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती है तो तमिलनाडु में नागरिकता कानून और कृषि कानून को लागू नहीं होने देंगे। एमके स्टालिन ने लोगों से डीएमके के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर लोगों ने की नारेबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले को कुछ लोगों ने घेर लिया और जमकर हंगामा किया। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से एक सभा करने के बाद लौट रहे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि तभी टीएमसी का झंडा लिए लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी एक सभा को संबोधित करने के बाद दूसरी जगह सभा में जा रहे थे, तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर जमकर हंगामा हुआ। खबर है कि हंगामे के दौरान वहां मौजूद कुछ पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में किया जबरदस्त रोड शो, अधिकारी परिवार को बताया न घर का न घाट का। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नंदीग्राम में विशाल रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अधिकारी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, वो ना तो घर के रहेंगे और ना ही घाट के। ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान वो व्हीलचेयर पर बैठी रही और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती रही। रोड शो में सैकड़ों स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। तृणमूल अध्यक्ष ने घोषणा की है कि वह गुरुवार को मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार 30 अप्रैल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में रोड शो में हिस्सा लेंगे। फिलहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। ये आपको बता दें कि गुवाहाटी कांग्रेस ने कथित रूप से खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास के अलावा 8 प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस का आरोप है कि समाचार के शक्ल में छपे इस विज्ञापन के जरिए बीजेपी ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है जहां पर 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निरन बोरा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए रविवार की रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश इकाई के प्रमुख और पार्टी के अन्य सदस्यों ने दूसरे और तीसरे चरण में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पूर्व नियोजित साजिश के तहत जानबूझकर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर समाचार के रूप में विज्ञापन दिया है जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी इसके लपेटे में आ गए हैं। और ये बड़ी खबर, अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात पर तगड़ा बवाल, कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने भी उठाए सवाल, कहा अफवाहों का अंत जरूरी। ये आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की खबरों के बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है। कांग्रेस नेताओं के सवाल पूछने के बाद अब शिवसेना ने मुलाकात पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट हो जानी चाहिए वरना भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और अमित शाह में कोई भी मुलाकात नहीं हुई, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात हुई भी है तो क्या दिक्कत है, क्या गृह मंत्री से कोई और नेता मुलाकात नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच खबर आई है कि एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे घमासान के बीच इस मुलाकात ने यहां की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट दे दी है। हालांकि इस पर और कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको
बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार वैसे ही गिरने को है, लेकिन अब शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात ने इसको और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि शरद पवार यानी कि राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, क्या अमित शाह और शरद पवार के बीच में कोई गठबंधन हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची तृणमूल कांग्रेस, बोली बाहर से गुंडे ला रही बीजेपी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में बाहर से गुंडे ला रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी शिकायत में कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी मिदनापुर में किसी भी तरीके के असामाजिक तत्वों को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे। शिकायत में कहा गया है कि पूर्वी मिदनापुर में दूसरे चरण के चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और किसी भी अन्य भाजपा या फिर एनडीए शासित राज्यों से सशस्त्र बलों की तैनाती पर भी रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि टीएमसी ने साफ कहा है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतने के लिए बाहर से गुंडे ला रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी की इस हरकत को रोका जाए। अगली बड़ी खबर, केरल चुनाव में उठा नागरिकता कानून का मुद्दा, बीजेपी ने किया कानून को लागू करने का वादा तो लेफ्ट ने किया इनकार। आपको बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के जोर पकड़ने के बीच भाजपा और माकपा ने संशोधित नागरिकता कानून का मुद्दा उठा दिया। भगवा दल ने अपने वादे को पूरा करने का संकल्प लिया है तो वहीं वाम दल ने कहा कि विवादित कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। केरल में नागरिकता कानून के खिलाफ माकपा, नीट, एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने अलग अलग प्रदर्शन किए थे और इस कानून को रद्द करने की मांग की थी तथा इसे भेदभावी और मुस्लिम विरोधी बताया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनावों में जनता से किए गए वादे को पूरा किया है और इस वादे को भी पूरा करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि केंद्र में उनकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करेगी, नागरिकता संशोधन कानून बनाएगी और मुस्लिम महिलाओं की शादी को 3 तलाक से बचाने के लिए कानून बनाएगी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि राज्य में नागरिकता कानून लागू होगा। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली मैं रॉयल बंगाल टाइगर, यूपी और बिहार के गुंडों ने मुझ पर किया हमला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि वो यहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो यूपी और बिहार से गुंडे ला रहे हैं और हमला करवा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते वो यहां पर राजनीति नहीं कर सकते। नंदीग्राम में गुंडागर्दी चल रही है, हमने बीरुलिया में बैठक की थी, टीएमसी कार्यालय को तोड़ दिया गया, शुभेंदु अधिकारी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो यूपी और बिहार से गुंडे ला रहे हैं, मैं भी गेम खेल सकती हूं, मैं भी शेर की तरह जवाब दूंगी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं इसलिए मुझसे भिड़ने की कोशिश न करें। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से टीएमसी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, भाजपा विधायक के कपड़े फाड़कर उसे पीटने के मामले में राज्यपाल ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने भाजपा विधायक अरुण नारंग पर हमले और उन्हें निर्वस्त्र करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की और इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्यपाल ने घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो वहीं नारंग और पुलिस बल पर हमला करने के आरोप में मलोट में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। राज्यपाल ने भाजपा विधायक पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में किसी पर भी इस तरीके के हिंसक हमलों की अनुमति नहीं दी जा सकती, इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मलोट के बाद अब कपूरथला में भी भाजपा नेता और किसान आमने सामने, कैप्टन का पुतला भी छीना। ये आपको बता दें कि पंजाब के मलोट क्षेत्र में भाजपा विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब कपूरथला में भी भाजपा नेता और किसान आमने सामने आ गए। हालांकि समय रहते दोनों पक्षों में तनाव को शांत करवाया गया, इसके बाद भाजपा नेता मौके से चले गए, जिसके बाद किसान समर्थकों ने चारबत्ती चौक पर पुलिस की मौजूदगी में जमकर प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र भी सौंपा। जानकारी के अनुसार पंजाब के मलोट में भाजपा
विधायक के साथ हुई घटना के रोष में कपूरथला के भाजपा नेता पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के कार्यकर्ता और अन्य प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंच गए और भाजपा नेताओं का विरोध करने लगे। उन्होंने भाजपा नेताओं से कैप्टन का पुतला भी छीन लिया। सूचना मिलने पर मौके पर एसपी और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और उनके समर्थक प्रदर्शनकारियों ने चारबत्ती चौक पर काफी देर तक नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। किसान समर्थकों ने पुलिस अधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर अपनी जमकर भड़ास निकाली। किसान नेताओं ने कहा कि मलोट में भाजपा विधायक के साथ हुई घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनके रोष में आज तक भाजपा नेता आगे नहीं आए। दूसरी तरफ भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मपाल महाजन और अन्य नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की इस गतिविधि को लोकतंत्र पर घातक बताया और पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता से काम करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि किसान प्रदर्शनकारियों की आड़ में विपक्षी दलों के नेता काम कर रहे हैं और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।